लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वैसे तो आपने कई अलग अलग तरह के होटल्स के बारे में सुना होगा या देखा होगा जो किसी खास वजह से फेमस होते हैं, लेकिन इस होटल की खासियत ही ये है कि इसे देखने के लिए आपको 100 या 200 नहीं बल्कि 60,000 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। जी हाँ, 60,000। चाइना में कई जगह फेमस है, लेकिन यह है दुनिया के सबसे दुर्गम और अजब होटलों में से एक। जेट स्क्रीन होटल। चीन के लो माउंटेन्स पर स्थित इस 4-स्टार होटल तक पहुंचने के लिए 60,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगर कोई सीढ़ियां न चढ़ना चाहे तो कुली उन्हें कुर्सी पर बैठाकर भी ले जा सकते हैं। पर्यटकों के लिए केबल कार का विकल्प भी मौजूद है। यह होटल 1,835 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ऊपर पहुंचने पर हंगशन माउंटेन रेंज का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। वैसे इस होटल में देखने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बेहतर नज़ारा तो इसकी चढ़ाई करते वक्त ही देखने को मिलता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा होटल है जहां आप इतनी ऊंचाई तक सीढ़ियां चढ़कर जा सकते हैं। इस होटल पर जाने का अपना ही एक अलग मजा है। ऐसा नहीं है कि इतनी सीढ़ियों के बारे में सुनकर ही लोग इस पर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देते होंगे। टूरिस्ट के साथ साथ स्थानीय लोग भी यहां आते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यहां सभी तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें स्पा और स्विमिंग पूल भी है। ये होटल एक और वजह से फेमस है, लव कपल्स की वजह से। कपल्स यहां आते हैं और अपने प्यार के लिए मन्नत मांगकर यहां की एक रेलिंग पर ताला लगाकर उस पर अपना नाम लिखते हैं और चाबी फेंक देते हैं। मान्यता है कि 60,000 सीढ़ियां चढ़कर कोई यहां आता है और मन्नत मांगता है तो वो पूरी होती है।